ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में पुनः एक बार आपका स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज का जो वीडियो है वह काव्य संकलन के पाठ 1 से है। आज हम लोग वास्तविक रूप से अपने मूल पाठों का अध्ययन करेंगे। इन मूल पाठों में जो सबसे पहला पाठ है वह सूरदास जी पर है, पाठ 1 सूरदास जी। इस पाठ से जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है वह सूरदास जी का जीवन परिचय, सूरदास जी की काव्यों की 6 अंकों की व्याख्या, जन्म समय, मृत्यु समय, सूरदास किस संप्रदाय के कवि थे, इनकी प्रमुख रचना क्या थी आदि आदि। बोर्ड परीक्षा से लेकर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सूरदास जी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके आज हम आपको सूरदास जी के विषय में बहुत सरलता के साथ बताएंगे। आप एकाग्र चित्त से इस पर गौर करें। तो आए सूरदास जी के विषय में हम जानते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के निकट रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग सूरदास जी को जन्म से ही अंधा मानते हैं, कुछ लोग सूरदास जी को 8 वर्ष की अवस्था के बाद जन्मांध मानते हैं। तो सूरदास जी की जीवन लीला इस प्रकार से चलती थी। एक बार गुरु बल्लभाचार्य जी जब तीर्थाटन पर थे तो सूरदास जी की मुलाकात बल्लभाचार्य जी से हुई। बल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को ले जा करके मथुरा में श्रीनाथ मंदिर पर भगवान की सेवा वंदना के लिए नियुक्त कर दिया। वहीं पर रहते हुए सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की, और जो स्तुति करते थे वह उनकी स्वरचित रचनाएं पद रहते थे। वो सभी पद सूरदास जी की 3 रचनाओं में संकलित हैं। पहली रचना है सूर सागर, दूसरी रचना है सूर सारावली, तीसरी रचना है साहित्य लहरी। इस प्रकार से सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के निकट पारसौली नामक गांव में हुआ। जो प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में वो सूरदास जी का जीवन परिचय तथा रचना लिखने के लिए आती है। 2 अंक का सूरदास जी का जीवन परिचय होता है, 1 अंक की रचना होती है। तो बहुत संक्षिप्त 75 शब्दों में जीवन परिचय लिखना रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखने से कोई लाभ नहीं है, समय आपका ज़्यादा जाएगा और उस समय में आप दूसरे प्रश्नों को कर लीजिए। तो पुनः एक बार संक्षिप्त रूप से सूरदास जी का जीवन परिचय सुने। कृष्णाश्रय धारा के प्रतिनिधिगण, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के निकट रुनकता नामक गांव में हुआ था। एक बार बल्लभाचार्य जी जब तीर्थाटन की यात्रा पर थे तो उनकी मुलाकात सूरदास जी से हुई। बल्लभाचार्य जी सूरदास जी को ले जाकर मथुरा के श्रीनाथ मंदिर पर भगवान कृष्ण की सेवा अर्चना के लिए नियुक्त कर दिया। वहीं पर रहते हुए सूरदास जी स्वरचित पदों के माध्यम से भगवान कृष्ण की स्तुति गाते थे, वंदना गाते थे, और वो सभी पद सूरदास जी की रचनाओं में संकलित थे। इस प्रकार भगवान की सेवा करते हुए भक्त सूरदास जी 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर गोलोकवासी हो गए। दूसरी हेडिंग जो जीवन परिचय में डालेंगे वो रचनाएं रहती हैं, 1 अंक की होती है। तो सूरदास जी की सिर्फ 3 रचनाएं हैं, प्रमाणित रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इससे बाद आप भाषा शैली लिखेंगे। सूरदास जी की भाषा ब्रजभाषा थी। ब्रजभाषा की प्रधानता के साथ साथ अवधि तथा देश शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने प्रमुखता के साथ किया है। शैली में सूरदास जी की प्रधान शैली मुक्तक है। सूरदास भगवान कृष्ण के पदों को मुक्तक छंद में गाया है। जीवन परिचय में संक्षिप्त रूप से इन बिंदुओं का उल्लेख करने के बाद जो अगला प्रश्न बनता है वह कवि के पदों की व्याख्या। तो व्याख्या करते समय हम किन किन हेडिंगों का प्रयोग करेंगे, बिंदुओं का प्रयोग करेंगे, इसको भी जान लें। प्रमुखता के साथ किसी भी पद की व्याख्या करनी हो तो हम 5 बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। पहला संकेत, व्याख्या की पहली हेडिंग होगी संकेत। संकेत में संपूर्ण पद के प्रथम 2 शब्द तथा अंतिम 2 शब्द का उल्लेख करते हैं।
संकेत के बाद तुरंत लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में हम परिचय देते हैं, संदर्भ का अर्थ ही होता है परिचय देना। इसमें कव्य का नाम, पाठ का नाम, शीर्षक का नाम आदि का उल्लेख करते हैं। संकेत संदर्भ के बाद तीसरी एडी प्रसंग डालते हैं। प्रसंग संक्षिप्त रूप से पद की व्याख्या करते हैं। प्रसंग के बाद व्याख्या, जैसा कि शब्द ही कह रहा है, व्याख्या का अर्थ होता है व्यापक आख्या। चार लाइन की कविता है, आठ लाइन की कविता है, उसे हमें व्यापक करना है। और अंतिम जो हेडिंग होती है वह है काव्य सौष्ठव। काव्य सौष्ठव इसके अंतर्गत जो काव्य में सौंदर्यता लाते हैं, तीन तत्व हैं रस, छंद, अलंकार, इन तीनों का उल्लेख हम लोग करते हैं। तो इन पांच बिंदुओं के माध्यम से हम व्याख्या करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जीवन परिचय पढ़ने के बाद अब हम पुस्तक का सहारा लेते हैं और पाठ्य पुस्तक में दिए गए महत्वपूर्ण पदों को निर्देशात्मक रूप से हम व्याख्या करते हैं और आशा करते हैं कि आप तन्मयता के साथ व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के साथ साथ आप पुस्तक का सहारा लेंगे, पुस्तक खोलेंगे, पहले पाठ का पहला पद, पहले पद में सूरदास भगवान कृष्ण की कमलवत चरणों की वंदना करते हुए लिखते हैं, चरण कमल बंधों हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलई, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई। अब व्याख्या देखें, आप व्याख्या में लिखेंगे भक्त सूरदास भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने प्रत्येक जन्मों में आपका चरणानुरागी बना रहा। आपके चरण का वह महत्व है कि जिसकी कृपा से पंगु का मतलब लंगड़ा, गिर का मतलब पर्वत लांघ जाता है, अंधा सब कुछ देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति बार बार बोलने लगता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से गरीब रंक अर्थात दरिद्र व्यक्ति भी राजा की तरह छत्र धारण कर चलने लगता है। सूरदास जी ऐसे बार बार चरणों की वंदना करते हैं। अब इसकी जो अंतिम हेडिंग होगी काव्य सौंदर्य के तत्व में, तो उसमें रस, छंद, अलंकार। रस भक्ति रस है, शांत रस है, छंद मुक्तक है और अलंकार रूपक है। देखिए, चरण कमल बंदों हरि राई, तो चरण कमल पर आरोप किया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। पहले पद को सहजता पूर्वक समझने के बाद अब हम पाठ्यक्रम के दूसरे पद की व्याख्या पढ़कर करते हैं। ध्यान दें, दूसरे पद में सूरदास जी भगवान कृष्ण के सगुण साकार रूप की महिमा का गान करते हुए लिख रहे हैं, अभिगति गति कछ कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार तात सूर सगुन पद गा। इस प्रकार भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त शिरोमणि सूरदास जी लिखते हैं कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, भगवान के उस महिमा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस आस्वादन तो कर लेता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाता है, बल्कि अंतर्गत ही अमित तोष अमृत रूपी आनंद की अनुभूति करता रहता है। भगवान की भक्ति की यही विशेषता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बल्कि जो भक्ति को जान लेता है, जो उनकी महिमा को जान लेता है, वह अंतरात्मा से आनंद की अनुभूति करता रहता है। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, मन से वाणी से
उस अगम अगोचर परमात्मा को जो जानता है कोई पाता है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर की कोई रेखा नहीं है, ईश्वर की कोई जाति नहीं है और ईश्वर को प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है, माध्यम नहीं है। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि निरालंब कित धाव, आलंब रहित होकर के हे प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए मैं किधर किधर दौड़ूं, कहां कहां भटकूं। सब विधि अगम विचार है, हर प्रकार से दुर्गम विचार करके सूर सगुण पद गाव, निर्गुण की अपेक्षा सगुण की स्तुति करते हैं। मध्यकालीन काव्य की विशेषता है, मध्यकालीन कवियों ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ बताया। उसका कारण यह है कि निर्गुण आकार आलम्ब रहित है और जो वस्तु दिखाई ना दे उस पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन रहता है। जो दिख रहा है उसको हम बिना बताए विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए सूरदास जी भगवान कृष्ण के सगुण साकार रूप की महिमा का इस प्रकार गान किए। तीसरे पद में सूरदास जी भगवान कृष्ण की बाल छंद का वर्णन किए हैं। बाल छंद के वर्णन करते समय वात्सल्य रस रहता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य की अद्भुत सूर्य की पंक्तियों में नहीं बल्कि शब्दों में भरी हुई है, इसको हम लोग इस पद से देखेंगे। किलकत कान झुटुरवन आवत, मनिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी में धावत, कबहु निरख हरियाप छाह को करसों पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद रुलावती, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिया। इस प्रकार भक्त शिरोमण सूरदास जी भगवान कृष्ण की बाल छंद का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण नंद बाबा के मणियुक्त आंगन में घुटने के बल चल रहे हैं और अपने ही प्रतिबिंब को हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो हंसते हैं और हंसते समय उनके दोनों छोटे छोटे दांत ऐसे शोभायमान होते हैं जैसे वसुधा पे कमल खिल गया। इस सौंदर्यता को देख करके माँ यशोदा बाबा नंद को दिखाने के लिए बुलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं भूखे होने पर माँ यशोदा हमारे प्रभु कृष्ण को आंचल के नीचे दुग्ध का पान करा रही हैं। इस प्रकार सूरदास जी की पंक्तियों ने प्रत्येक शब्दों में वास्तविकता के सजीव दर्शन होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, भक्ति में जब विभोर हो जाएंगे, भगवान कृष्ण को आदर्श मान लेंगे तो अपने आप ये सारी व्याख्याएं सहजतापूर्वक समझ में आ जाएंगे। चौथे पद में भगवान कृष्ण अब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके किशोरावस्था का चित्रण करते हुए गोस्वामी सूरदास जी लिखते हैं मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। माँ यशोदा बालक जान करके बहाने देकर सुला देती हैं लेकिन कृष्ण अन्य बाल के साथ गाय चराने की जिद करते हैं। तो माता से कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, हे माँ मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, प्रात हो तो बल के संग रही हूँ तेरे कहीं न रही हूँ। बल का मतलब बलराम उनके बड़े भाई थे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सुबह होते ही मैं बलराम के संग जाऊंगा और आपके कहने से थोड़ा भी नहीं मानूंगा, वाल बाल गायन के भीतर नैकों डर नहीं लागत। ब्रज भाषा है, नैकों का मतलब होता है तनिक थोड़ा सा। सभी वाल बाल गायों के मध्य रहते हैं जिनको देखकर थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है और आप में बहाने देती हैं कि बड़े बड़े पशु आपके ऊपर पैर रख देंगे। इसलिए हे माँ मैं सुबह होते ही भैया बलराम के साथ गायों को चराने जाऊंगा। आज मैं सोमो नंद दुहाई रैनी रहा हूँ जागर, मैं बाबा नंद की शपथ खाकर कह रहा हूँ या सोऊंगा नहीं बल्कि पूरी रात जागता रहूंगा, नहीं तो आप सुला देती हैं और सुबह होते ही सब ग्वाल चले जाते हैं और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ
सभी ग्वाल हमारे साथी गाय चराएंगे, हम घर बैठे रहें, सूर्य श्याम तू सोए रहो, प्रात जान में दई हूँ। अंतिम पंक्ति में माँ यशोदा का कथन है, सूरदास जी के माध्यम से माँ यशोदा कहती है कि तुम सोए रहो, रात हो गई है सो जाओ, मैं वचन देती हूँ कि सुबह होते ही तुम्हें गाय चराने भेजूंगी। इस प्रकार से भक्त सूरदास भगवान कृष्ण की सुंदर बाल छवि का वर्णन करते हुए अब पांचवा पद, कृष्ण छोटे रहते हैं, पहली बार गाय चराने जाते हैं, चरवाहे सभी अपनी अपनी गायों को कृष्ण से हकवाते हैं जिससे उनका पैर दुखने लगता है। शाम को आते हैं, माँ यशोदा से बताते हैं और बताते हुए कह रहे हैं कि मैया हौ न चराई हूँ गाय, हौ का मतलब हम, मैं ब्रजभाषा है, हे माँ मैं गाय नहीं चराऊंगा, सिगरे ग्वाल घिटावत मोसों मेरे पाए पिराए, सभी ग्वाल वाल अपनी अपनी गायें हमसे गिरवाते हैं जिससे मेरा पैर दुखने लगा, जो मैं पत्याय पूछ गल दम है अपनी सौ दिखाए। पत्याय का मतलब होता है विश्वास, ब्रजभाषा में पत्याय शब्द का मतलब विश्वास, जो न पत्याय पूछ बल दाव, बलदाव मतलब बलराम, यदि आपको मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं है तो आप भैया बलराम से पूछ ले सकती हैं, अपनी सौ देवा अपनी सौगंध खाकर कह रहा हूँ, यह सुन माय यशोदा ग्वालिन गाली देती निशा, यह सुन करके माय यशोदा गाली देना शुरू कर देती है, स्त्रियों का स्वाभाविक शब्द है गाली देना, तो यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गाली देती रिसाए, क्रोधित होकर के खूब ग्वाल वालाओं को गाली देती हैं और कहती हैं मैं पटपति अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए गायों के साथ भेजी, परंतु सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताह ही गाय, परंतु मेरे छोटे बालक को ग्वाल वालों ने दौड़ा दौड़ा करके मार डाला है, बहुत क्रोधित। काव्य सौंदर्य में इसमें भी देखेंगे तो वात्सल्य रस, मुक्तक छंद तथा उपमा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से एक से लेकर के पांच पदों तक की व्याख्या हम लोगों ने आज पढ़ा, कुल 11 पद हैं, अगले जो 6 पद हैं इनकी व्याख्या हम कल के वीडियो में करेंगे। आज आपका जो गृह कार्य है वो आप इन पांचों पदों की व्याख्या, संकेत संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य पांच बिंदुओं के माध्यम से करेंगे, संदर्भ बार बार नहीं लिखेंगे, पूर्ववत लिख देंगे, बाकी अन्य बिंदुओं का उल्लेख आप करेंगे। तो आशा नहीं बल्कि उम्मीद करते हैं घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहकर प्रसन्नता पूर्वक पढ़ाई का आनंद लेते रहेंगे। कल के वीडियो में अगले 6 पदों की व्याख्या हम लोग पुनः करेंगे, तब तक धन्यवाद।